हाय दोस्तों, मेरा नाम है जॉनी बाबू और आप देख रहे हैं परफेक्ट मोबाइल यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो गाइज़ मेरे पास जो मोबाइल है ये है ओप्पो की ये 57। ठीक है, क्या है ओप्पो ये 57। अगर आपके पास भी सेम मॉडल है और उसमें अगर FRP लॉक लग गया है तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, आप घर बैठे जो है FRP बाईपास कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्रॉब्लम यहाँ कहाँ पर है। ठीक है, सबसे पहले जो आप अपना वाईफाई कनेक्ट कर लीजिएगा या इसमें एक इंटरनेट वाला सिम लगा लीजिएगा। मैं आप लोग को प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगा और बहुत ही आसानी तरीके से दिखाऊंगा, जो एकदम बिल्कुल इजी ट्रिक हो। ठीक है, और थोड़ा हटके नया ट्रिक हो, मैं हमेशा थोड़ा इजी ट्रिक आप लोग को दिखाता हूँ। ठीक है, ये ओप्पो A57 का FRP बाईपास हम आपको करके दिखाएंगे, तो आप ज़रा से भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा पूरा इस वीडियो को देखिएगा, डोंट कॉपी। पहले हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ प्रॉब्लम इशू क्या है और कहाँ पर है। इस पर आपका जो है माइक वगैरह वो सब कुछ भी ऑप्शन काम नहीं करेगा। मतलब ये देखिएगा, यहाँ पर देखिए उसका पासवर्ड मांगा जा रहा है, अगर पासवर्ड याद है तो अभी आप FRP बाईपास यहाँ से कर लीजिएगा। लेकिन उम्मीद है कि आपको FRP करने के लिए पासवर्ड भी आपको याद नहीं है और ना ही जीमेल अकाउंट याद है। ठीक है, दोनों का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, एक होता है जीमेल अकाउंट, दूसरा होता है आपका पासवर्ड या पैटर्न पिन जो भी इस फ़ोन में लगा हुआ होता है। तो देखिए, आपको इन दोनों में से अगर कुछ भी याद नहीं है तो हम आपको बाईपास करके दिखाएंगे बिल्कुल जो है। देखिए, यहाँ पर आपको अगर अपना जीमेल याद होगा, पुराना वाला जीमेल, तो उससे भी बाईपास कर सकते हैं, इसमें नया जीमेल लॉगिन नहीं होगा। ठीक है, देखिए तो यही प्रॉब्लम था, इसमें आपको हम बाईपास करके दिखाएंगे, देख लीजिए। ठीक है, मैं आपको पहले एक चीज़ यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए, दाहिने तरफ देखिए जहाँ पर वाईफाई कनेक्ट है उसके ऊपर देखिए सिंबल बना हुआ था, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए वाईफाई QR कोड, उस पर क्लिक कीजिए। अब देखिए नीचे में नियर बाय शेयर का एक ऑप्शन लिखा होगा, उसमें क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर इसको 10-1 पर क्लिक करना है। 10-1 जैसे हो जाएगा इस, आपको नीड एंड शेयरिंग पे क्लिक करना है, नीड हेल्पिंग शेयरिंग। ठीक है, नीड हेल्प शेयरिंग ऐसा कुछ लिखा है, उस पर क्लिक करिए। शुद्ध हेल्प का आपको ऑप्शन यहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हेल्प 3 डॉट दिख रहा है दाहिने तरफ, वहाँ पे क्लिक करेंगे। शेयर आर्टिकल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कहीं पर शेयर आर्टिकल होगा, ये फर्स्ट नंबर पर वहीं पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर मैसेज का ऑप्शन देख रहा है कहाँ पर है। ठीक है, मैसेज, ओके, ये देखिए मैसेज पर आप क्लिक कर दीजिएगा। आपको यहाँ पर न्यू मैसेज पे क्लिक करना है। जैसे न्यू मैसेज पे क्लिक करना है, आपको कोई सा भी नंबर में एक मैसेज आपको सेंड करना है। ठीक है, आपको मैसेज जैसे कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 कुछ भी ले लीजिए, या 1982, मतलब कोई एक नंबर ले लेना जो नंबर वैलिड आपको लगे। ठीक है, मैं यहाँ पे 289 ले लिया, आप भी ले लीजिएगा कुछ भी, 114, 115 कुछ भी ले लीजिएगा। उसके बाद ठीक है, देखिए यहाँ पर आप टाइप करने का ऑप्शन आपको दिया गया, ओके। तो टाइप करने में आपको क्या टाइप करना, ध्यान से टाइप करना है आपको। ठीक है, आपको लिखना है यहाँ पर www. देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, www.youtube.com। ठीक है, www.youtube.com। उसके बाद आपको सेंड पे क्लिक करना है। देखिए सेंड पे क्लिक कर दीजिए। बहुत आसानी तरीके से गाइस हम लोग वीडियो बनाते हैं आप लोग के लिए, एकदम आपको देखना ध्यान से। एक बार लोड पर क्लिक करना है। ठीक है, लोड हो गया। अब आपको यहाँ पे यूट्यूब पे क्लिक कर देना है। अब आपका डायरेक्ट जो है यहाँ पे यूट्यूब ओपन हो जाएगा। इस फ़ोन में ना आपका टोल बैक काम करेगा, ना ही आपका माइक का ऑप्शन, कुछ भी काम नहीं करेगा गाइस। ठीक है, मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। ठीक है, अब अबाउट पे क्लिक कीजिएगा, यूट्यूब टर्म सर्विस पे क्लिक कीजिएगा, एक्सेप्ट पे क्लिक कीजिएगा, नो थैंक्स। अब यहाँ पर आपको एक वेबसाइट सर्च मारना है, मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ, जो जो मैं लिख रहा हूँ उसको आप ध्यान से देख लीजिए, सुन आप लिख दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ खुल जाएगा बाईपास गूगल अकाउंट 2024। ठीक है, ओके, देखिए खुल गया यहाँ पे साइट। अब आपको यहाँ पे देखिए मैं स्क्रीन लॉक लगा के आपको दिखा देता हूँ। स्क्रीन लॉक वगैरह कुछ नहीं लेगा, इस पर कुछ भी लगने वाला नहीं है, आपको डायरेक्ट मैं करके दिखा रहा हूँ, जिससे आपको FRP बाईपास तुरंत फटाफट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर खोजना है, क्या खोजना मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको खोजना होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन। ठीक है, होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पे आने के बाद आपको खोजना है 4.6 या 6.4 ऐसा कुछ दिखेगा आपको, उस पर फाइनली क्लिक कर देना है। जैसे उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पर देखिए आपका फ़ोन यहाँ पे फिलहाल जो है रनिंग मोड में आ गया, मतलब एक ओपन जैसा हो गया, लेकिन अभी FRP पूरा बाईपास हुआ नहीं है, अभी आपको करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ टोल वाला ऑप्शन खोजना होगा। देखिए टोल पर जैसे आइएगा, यहाँ पर फ़ोन को लोन का एक ऑप्शन होगा, ओप्पो की तरफ से आता है ये, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ एक बार कहाँ पे मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पर आपको कहीं भी टोल का एक ऑप्शन मिलेगा, टोल पे जिसमें 3-4 आइटम रहता है एक साथ, टोल पे आपको क्लोन फोन का ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें आप फाइनली क्लिक कर दीजिएगा। उसका जो जो आपसे परमिशन मांगे उसको अलाउ करके आप इसको ओपन कर लीजिएगा, मतलब आपका यहाँ पर एक QR कोड जनरेट हो जाएगा इस फ़ोन के अंदर। ठीक है,
जहाँ जहाँ आपसे अलाउ करने के लिए बोला, आपको दिस डिवाइस इज न्यू डिवाइस में क्लिक करना है। आपका ओप्पो रियलमी वन प्लस है तो आपको एक नंबर में क्लिक करना है। तो देख सकते हैं आपका यहाँ पर जो है आपका ये जो है QR कोड जनरेट हो गया। अब आपको एक दूसरा फ़ोन लेना है, कोई भी कंपनी का होगा चलेगा, ठीक है, बस उसमें प्ले स्टोर होना चाहिए। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे दूसरा फ़ोन है, मैं हाथ में ले लेता हूँ। अब मुझे इस पर लोड करना है ओप्पो फ़ोन क्लोन ऐप, ठीक है। आप फ़ोन क्लोन ऐप भी सर्च मार सकते हैं या ओप्पो फ़ोन क्लोन ऐप आप लिख के सर्च मार लीजिए। ओके, देखिए मैं यहाँ पे लोड कर लिया, ठीक है, आप भी लोड कर लीजिएगा। देखिए ओप्पो फ़ोन क्लोन ऐप, ओके, इसको आप लोड कर लीजिए। सो लोड करने के बाद ओपन पे क्लिक कर दीजिए। ओपन पे क्लिक करने के बाद इसमें जो जो परमिशन माने, स्टार्ट नेविगेशन पे क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, टर्न ऑन कीजिए, जो जो आपसे ये परमिशन मांगे सारे परमिशन आपको अलाउ दे देना है इसमें, ठीक है ना, आपको सारे ही परमिशन इसमें अलाउ दे देना है। उसके बाद जैसे आप अलाउ दीजिएगा, देखिए आप एक स्कैन करने का ऑप्शन आपका इस वाली डिवाइस में ऑन हो जाएगा। ओके में क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक आपका डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब आपको कोई सा भी यहाँ पे कोई सा भी इसमें ऐप जो है आपको यहाँ पे भेजना पड़ेगा। ओके, कोई सा भी एक ऐप यहाँ से आप भेज दीजिए इसको। हाँ, मैं यहाँ से कोई सा भी ऐप आपको दिखाने के लिए भेज देता हूँ। जितना कम MB का होगा उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। MB देख लीजिएगा, ठीक है, मैं पिक्सेल भी भेज देता हूँ, मुझे कम MB का यही लगा मेरे पास। इसको मैं स्टार्ट नेविगेशन पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, अब कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ एक दूसरे से मेरा डिवाइस कनेक्ट हो गया। अब मेरा जो ऐप है इस फ़ोन में भेजा जा रहा है। ओके, ओप्पो वाली फ़ोन में हमको अनलॉक जिसको करना है उसमें भेजा जा रहा है। तो देखिए इस फ़ोन का काम मेरा खत्म हो गया, इस पर डन कर देंगे। अब जहाँ लिख के आ गई इस पर क्लिक करके इसको हटा दीजिए। ओके, अब गाइस आपका यहाँ पर जो आपको देखिए यहाँ पर डन का ऑप्शन आ गया, देखिए इस पर क्लिक कर दीजिए। अब आपको यहाँ पे बटन का ऑप्शन पे क्लिक करना है, जेस्टर पे नहीं करना, ठीक है। बटन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे स्कीप पे क्लिक करना है, यहाँ पे फिर से डन पे क्लिक करना है, फिर से डन पे क्लिक करना है या स्कीप करना है। हमको यहाँ पे कोई सा भी ऐप हमको इंस्टॉल नहीं करना है अभी, मुझे आप लोग को फटाफट दिखाना है। यहाँ पर वीडियो अगर लंबी भी हो जाती है तो काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहती है हम लोग की, ठीक है ना। आप बिल्कुल नो डाउट करके पूरी वीडियोज देखना ओप्पो A57 के लिए, ये FRP बाईपास के लिए एकदम बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो था, ठीक है। आपका मैं दिखा देता हूँ सेटिंग में जाके कि ये ओप्पो A57 है, इसका FRP बाईपास हम लोगों ने पूरा फाइनल FRP बाईपास जो हम लोगों ने कर दिया। आप भी अगर इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तो आपका भी घर बैठे जो FRP बाईपास है वो हो जाएगा गाइस। तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल चैनल सब्सक्राइब करना फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है। आप देख लीजिए ओप्पो A57 लिखा हुआ है, ठीक है, देख लीजिए आप यहाँ पर। चलिए मिलते हैं कोई अगली और इससे अच्छी वीडियो में गाइस। बाय बाय।